हेलो गाइस, मेरा नाम है कुंदन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कुंदन राजभर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन राजभर और आपका अपना चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज का ट्यूटोरियल है बैक वॉल फ्लिप गाइस, जो कि दीवार से किया जाता है, उसे बोलते हैं। कुछ लोग वॉल फ्लिप बोलते हैं, कुछ लोग बैक वॉल फ्लिप बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बैक वॉल फ्लिप करने के लिए गाइस क्या क्या ज़रूरी होता है, पहले तो आप वो लोग जान लो। और गाइस, जो जो मैं पहले बताता हूँ वो फॉलो करना है आपका। एक एक स्टेप बताऊँगा और एक एक स्टेप आप लोग फॉलो करना है गाइस। तो गाइस, बैक वॉल फ्लिप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, पहला तो एक अच्छा बैक फ्लिप आना चाहिए गाइस, एक अच्छा बैक फ्लिप आना चाहिए। गाइज, बैक वॉल फ्लिप करने के लिए गाइज दीवार के पास कुछ ऐसा मतलब प्लेस होना चाहिए गाइज, कुछ इस तरह देख लो आप। तो गाइज, पहली बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, आपको एक अच्छा बैक फ्लिप आना चाहिए। दूसरा स्टेप की आपको एक अच्छा जंप चाहिए, और गाइज जंप आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गाइज वॉल फ्लिप करने के लिए एक हाइट चाहिए होती है, जो कि वो हाइट एक वॉल फ्लिप में कन्वर्ट होती है। तो गाइज बैक वॉल फ्लिप करने के लिए कुछ ये करना पड़ेगा। तो गाइस बिगनर के लिए कुछ ये चीज़ करना पड़ेगा, 10 से 20 बार करें रोज, डेली बाय डेली। तो गाइस, इससे क्या होगा कि इसे वॉल फ्लिप का जो होगा हाइट मिलेगी गाइस, इससे क्या होगा कि वॉल फ्लिप बहुत अच्छा हो सकता है आपको। तो इसको करते रहें, जितने बार करेंगे उतने बार अच्छा रहेगा गाइस। एक बार और गाइस, वो ऐसे ही करना है गाइस, ऐसे गाइस जंप देना है, जैसे बैक फ्लिप में जंप देते हैं गाइस, सेम वैसे ही जंप देना है इसमें भी कुछ इस तरह गाइस, ऐसे गाइस। ये वाला आपको बताया होगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है गाइस, अगर इसको करो तो बैक फ्लिप हर एक फ्लिप में गाइस मदद मिल सकती है आपको। तो गाइस, जब बिगनर स्टार्ट करे तो जो मैंने पहले बताया वो उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टेप ये आता है गाइस, कि पहले एक पांव एक ऐसे रखने हैं गाइस, ठीक है। जैसे गाइस आपको बैक फ्लिप करते टाइम क्या करते हैं आप लोग, ऐसे करके ये ऐसे करते हैं। तो गाइस बिल्कुल सेम वैसे ही करना है गाइस, वॉल पे पैर ऐसे रख के, एक पैर दीवार पे, और गाइस बैक फ्लिप आने की कोशिश करना है। और गाइस कोशिश करो कि आप पहली बार में सीधा ना लेने की कोशिश करें गाइस, इंजरिंग हो सकती है। तो पहली बार में आप क्या करो कि पीछे की टर्न ऐसे कुछ गाइस, देख लो आप लोग कैसे करोगे, ऐसे पांव रख लेना आप वॉल पे, देन ऐसे गाइस ऐसे पहली बार में करोगे तो कुछ ऐसे गिरोगे गाइस, धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा, जब 10 से 20 बार करोगे आप लोग तो इम्प्रूव होगा। तो गाइस फिर से करते हैं। तो गाइस वो स्टेप रखने के बाद कोशिश करिए ऐसे करके, ऐसे तिरछा गाइस, ऐसे आपको डर भी नहीं लगेगा और आप अच्छी तरह से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, 1 2 3 गाइस बिल्कुल सेम ऐसी। तो गाइस फर्स्ट बार करेंगे तो ऐसे ही आएंगे गाइस, जैसे अब मैं कर रहा था, गिर रहा था। तो गाइस तो प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहो, जितना बार प्रैक्टिस करोगे गाइज उतना बार बहुत ही अच्छा होगा और ये बहुत ही मस्त हो जाएगा। तो गाइज फिर से करते हैं वही चीज़, लेकिन गाइज पहले ऐसे करते थे, अब गाइज धीरे धीरे उठाएंगे अपने आप को। पहले क्या था बॉडी ऐसे करके, अब ऐसे करते थे। तो गाइज अब धीरे धीरे उसको ऐसे करेंगे, सीधा करेंगे गाइज, तो रखेंगे वॉल पे और बैक फ्लिप मारने की कोशिश करेंगे गाइज, ऐसे रखा ऐसे। तो गाइज ऐसे ही कुछ करोगे आप लोग तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना बार इम्प्रूव होगा गाइज। ऐसे करने के बाद आप गाइज सोचो कि कुछ रनिंग लेके गाइज, जैसे रनिंग लेके करते हैं गाइज वॉल फ्लिप में और बैक वॉल फ्लिप में जो भी बोलो, तो गाइज उसमें रनिंग लेके करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा गाइज। हाँ, जब मास्टर कर लोगे तो गाइज आराम से खड़े खड़े भी कर सकते हो। तो गाइज पहले रनिंग करके
और कुछ ऐसे करने कुछ करे। देखो गाइस ऐसे रनिंग करके आना, रखना पैर वॉल पे और देन बैक फ्लिप। गाइस ऐसे करोगे धीरे धीरे तो गाइस आ जाएगा आप। जैसे जैसे गाइस मैं बोल रहा हूँ बस वैसे आप लोग फॉलो करो गाइस, बहुत ही जल्दी सीख जाओगे आप लोग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ऐसे तो गाइस रनिंग लेके जाना है और देन बैक फ्लिप। ठीक गाइस तो गाइस प्रैक्टिस करते रहना, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिर से करते हैं गाइस एक बार और। ऐसे रनिंग लेके जाना है और देन पांव रख के वॉल पे बैक फ्लिप। गाइस ऐसे तो गाइस बिल्कुल ही ऐसे करते जाना और बहुत ही मस्त होगा आप लोगों का। बस प्रैक्टिस ध्यान दो, इसे 10 से 20 बार या 30 बार जितना हो सके उतना जितना बार प्रैक्टिस करोगे गाइस उतना बहुत ही मस्त होगा। तो गाइस फिर से प्रैक्टिस करने के बाद जब इम्प्रूव होगा धीरे धीरे तो खुद अच्छा होने लगेगा गाइस। तो क्या करोगे आप लोग, फिर से वही चीज़ रनिंग लोगे और देन पाँव रख के बैक फ्लिप। तो गाइस रनिंग और पाँव रखा वॉल फ्लिप बूम। गाइस बहुत ही इजी है गाइस, कोई इंजरिंग नहीं। गाइस ऐसे अकेले सीखना है तो गाइस ऐसे ही कर सकते हो। तो गाइस जब प्रैक्टिस करने के बाद जब आप मास्टर कर लोगे तो गाइस बिल्कुल आप जब इसमें वॉल फ्लिप मास्टर हो जाओगे तो इस तरह करोगे गाइस। तो आई होप गाइस मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को गाइस लाइक करें, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें और गाइस कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।